व्हाट्स अप गाइस, दिस इज ब्लैक लोगी मिंग। आज मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट और मेरी फसल अभी तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने जो दीवारें बनाई है, मेरे पास डर्ट काफ़ी सारी थी जिससे मैंने दीवार बनाई है, और साथ ही मैंने कबलस्टोन से पाथ बनाया है। और आज के इस पार्ट में मैं पालने वाला हूँ अपने जानवर, इसका मतलब मैं करने वाला हूँ पशुपालन, जिसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपकी फसल और दूसरी लकड़ियाँ। तो लकड़ियाँ हमें इसलिए चाहिए क्योंकि लकड़ियों से फेंस बनती है जिनसे हम जानवरों के लिए बाड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बाड़ा बना लूँ, और बाड़े के लिए आपके पास जितनी हो सके उतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लीजिए, जैसे मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की हुई है। और बाड़ा बनाने के लिए अपने प्लैंक्स को इस तरह से रखिए, और उसके बाद अपनी स्टिक्स को यहाँ ऐसे रखिए, इससे आपको फेंस मिलेंगे और जितने चाहो आप उतने फेंस बना सकते हो। मैंने काफ़ी सारे फेंस बना लिए हैं, तो चलिए बाड़ा बनाते हैं। आप जितना चाहो उतना बड़ा बाड़ा बना सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना ही बड़ा बना सकते हो। और मेरा एक बाड़ा बन चुका है, और जो भी मुझे सबसे पहला जानवर मिलेगा मैं इसमें रखूँगा। और अब बनाते हैं बाड़े का गेट, और गेट बनाने के लिए अपने प्लैंक्स को बीच में रखिए और लकड़ियों को इस तरफ रखिए। हमारी जो फेंस की क्राफ्टिंग है उसका अपोजिट ही गेट की क्राफ्टिंग है। तो चलिए, मैंने एक गेट बना लिया है और इसे मैं यहाँ लगाऊँगा। तो मेरा गेट भी बन चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी दीवार है दीवार के ऊपर भी मैं ये फेंस लगा दूँगा, लेकिन अभी नहीं, मैं इनको बाद में लगाऊँगा। तो आप चाहो तो अपने बाड़े के ऊपर मशाल भी लगा सकते हो, और मशाल लगाने के लिए सिर्फ मशाल लीजिए और जहाँ मशाल लगाना चाहते हो वहाँ लगा सकते हो। तो मैंने मशाल लगा दिया है ताकि यहाँ अंधेरा ना हो। तो चलते हैं जानवर पकड़ने के लिए, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जानवरों के लिए कुछ खाना चाहिए ताकि आप उन जानवरों को पकड़ सको। तो अभी मैंने अपने पास शीड और गेहूं रख लिए ताकि अगर मुझे मुर्गी मिलेगी तो मैं शीड से मुर्गी को पकड़ लूँगा, और अगर मुझे गाय या भेड़ मिलेगी तो मैं उसको वीट से पकड़ूँगा। और मैंने गेट ले लिया अभी, क्योंकि मैं अभी चारों तरफ से बंद और मैंने अभी तक गेट भी नहीं लगाया है, तो सबसे पहले मैं अपने गेट लगा लूं। तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कि क्या मिलने वाला है। वो देखिए, सामने गाय है, और गाय को बुलाने के लिए सिर्फ उसको वीट दिखाइए और वो अपने आप आपके पीछे पीछे चली आएगी। तो बस अपने घर की तरफ जाइए और ये थोड़ा थोड़ा पीछे मुड़ के देखते रहिए कि आपके पीछे वो गाय है या नहीं। वो एक गाय रह गई है, इसको ही बुला लेता हूँ। तो मेरे पास अभी दो गाय आ चुकी है, और अगर आप प्रोडक्शन चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सिर्फ आपको इनको खाना खिलाना है और थोड़ी देर में इनका बेबी आ जाएगा। देखिए, छोटा सा गाय का बच्चा आ गया है। अगर आप इसको भी बार बार खाना खिलाओगे तो ये थोड़ी देर में बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्शन करते हैं और ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं। और अगर आप मुर्गियाँ पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए शीट चाहिए, और गाय और भेड़ के लिए वीट चाहिए, और अगर आप पिक को पकड़ना चाहते हो तो आपको गाजर या शलगम चाहिए। और मेरे पास एक गाजर है, और अगर आप भी गाजर ढूंढना चाहते हो तो जितना हो सके उतना ज़ोंबीज़ को मारें, क्योंकि कभी कभी ज़ोंबीज़ को मारने से भी आपको गाजरें मिलती है। और मुझे अभी दो गाजरें मिली है, मैं इनको भी दोबारा लगा दूंगा। मैं इसके साइड में एक बाड़ा और बना रहा हूँ ताकि मैं और एनिमल्स को पकड़ सकूँ।
और आप चाहो तो इन पर भी मसाले लगा सकते हो। वैसे मसाले लगाना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ अंधेरा नहीं होगा। तो मेरा एक और बाड़ा बन चुका है और देखते हैं कि इस बार मुझे क्या मिलेगा। तो पहले मैं बीज ले लूँ क्योंकि मैं इस बार मुर्गियाँ पकड़ना चाहता हूँ। तो देखिए सामने भेड़ है लेकिन मैं भेड़ को अभी नहीं पकड़ना चाहता। यहाँ आसपास कोई मुर्गियाँ नहीं है इसलिए मैंने भेड़ पकड़ ली है। तो चलते हैं अपने घर की तरफ। भेड़ के लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि उसको छोटे बाड़े में ना रखें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप भेड़ से वूल चाहते हो तो उनको बड़ी जगह पर रखना पड़ता है। जैसे अभी इसने एक ब्लॉक से पूरी घास खा ली है और अगर ये धीरे धीरे ऐसे सारी खा जाएगी तो इनके लिए खाना नहीं बचेगा। तो इसीलिए इनके लिए बड़ा बाड़ा बनाने के लिए ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। और अगले एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ अपनी एक गुफा जहाँ मैं करूँगा माइन, और वो मेरी पर्सनल गुफा होगी खुदाई करने के लिए।